एकता जी देखो वो खड़ी, एकता जी असली है। मम्मी इतनी गौर से नाटक देखती है, सीरियस। पतंगे जो है देखो कितनी बची हुई पतंगे है इसकी। हम दोस्तों और आप सब कैसे हो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों स्वागत है आपका मनोज चौहान ब्लॉग में। और दोस्तों देखिए धूप का आ रहा है चमका, यानी कि आ रही है बहुत सुनहरी धूप, बढ़िया बढ़िया, जो कि ठंड में आती नहीं है इतनी जल्दी से। तो बैठे हम धूप में और देखिए बैठी एकता। राम राम जी, आज धूप का मजा ले रहे हैं। कई दिन में कम से कम 5-6 दिन में धूप निकली है। सही बात है, सही बात है। तो जी हम ले रहे हैं विटामिन डी, मेरे ख्याल से धूप में विटामिन डी होता है अनेकता। तो ले रहे हैं हम धूप और देखिए दोस्तों ये लगे पड़े हैं बाहर, ये तन में बैठा है बाहर और क्या कर रहा है दिखाता हूँ आपको मैं, इसकी करतूत दिखाता हूँ जो इसने 15 अगस्त पे की थी। दोस्तों ये रहा तन में। हेलो गाइस। और तन में ये करतूत देखो, ये देखो पतंगे जो है देखो कितनी बची हुई पतंगे हैं इसकी। और ये 15 अगस्त पे जो है इसने उड़ाई नहीं है ना, उड़ाई तो बहुत मतलब के बच गई है ना, ज़्यादा पतंग ले लीजिए ना। और मैं इसे कह रहा था कम ले ले पतंगे, भाई पूरी खर्च नहीं कर पाएगा है ना, फिर ये माना नहीं। और ये देखिए कितनी पतंगे फट गई है इसकी ना, फट गई है और सील गई है, सील गई है, इसलिए इसने धूप में रख दिया ना। हाँ उड़ाने नहीं दे रहा, उड़ाने देगा, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, आप कौन सी चाहिए आपको, हाँ उड़ाओ उड़ाओ, कोई नहीं एक दे देना भाई को, शाबाश वेरी गुड। चलो ये तो एंजॉय कर रहा है ना। और दोस्तों देखिए कितनी तगड़ी धूप आ रही है, रियल में बहुत तगड़ी धूप है। और ठंड में ऐसी धूप मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा है। और ये देखिए एकता ने जो है गद्दियाँ डाली हुई है सोफे की, हाँ, और इसने गद्दे के ऊपर ही डाल दिए ये पतंगे। अब कब उड़ाएगा भाई पतंगे, अगली 15 अगस्त को। अच्छा अच्छा, मकर संक्रांति को भी तो उड़ती है ना शायद, उड़ा दूँगा। लेकिन मकर संक्रांति को यहाँ कम उड़ती है ना, दिल्ली में ना, हरियाणा साइड में उड़ती है ना, हरियाणा साइड में ज़्यादा उड़ती है मकर संक्रांति पे, दिल्ली में कम उड़ती है ना, दिल्ली में सिर्फ 15 अगस्त को उड़ती है ना ज़्यादा है ना। महाराष्ट्र में भी उड़ती है। अच्छा महाराष्ट्र में और हरियाणा में ज़्यादा उड़ती है ना, गुजरात में, महाराष्ट्र। हाँ इससे मैं कह रहा था ना, मैंने कहा भाई हाँ कम कम पतंगे ले ले, लेकिन ये मानने वाला नहीं है, है ना। अब देखो सही बात है। और अब देखो अब इसको रखता घूम रहा है इसको, कभी धूप में कभी कहाँ, कहीं तो फाड़ दी इसने ना, कहीं फटकी ना। कितनी बची है गिन के बता, कितनी है, नौ पतंगे बची हुई हैं, दस पतंगे, चलो ठीक है ठीक है, दस बची हुई है ना। अब आपको दे तो दी, एक उड़ा लो, ले लो ले लो एक, चलो भाई उड़ा लो पतंग। और देखो भाई गिलहरी भी आ गई है, ये देखो गिलहरी खा रही है रोटियां। और नहीं यार चिराग हमेशा चिराग भगा देता है। जब आप रोटी रखते हो तो खाने भी दो ना उसको, है ना भाई, चिराग अच्छा बच्चा है, रोटी रखता है ना, है ना गिलहरी के लिए। हाँ वो देखो फिर आ गई, आप इधर आ जाओ, वो आ जाएगी देखो खा लेगी ना, अरे फिर दे फिर यार चिराग नहीं, इधर आ जाओ। और भाई ये देखो ये अभी तक लगा पड़ा है पतंगों में और रख रहा है अंदर, क्योंकि इसके हो रहा है ट्यूशन का टाइम। रख दे फिर रख दे यार, सूख गई ना अब तो, सूख गई होगी है ना। देखो, मेरी बहुत बड़ी डंडी। ओ तेरी भाई देखो कितनी बड़ी डंडी है, इतनी बड़ी डंडी है तो भाई अपने से ज़्यादा बड़ी डंडी ले ली आपने तो। ये भाई लाता है, इसलिए मैं भूत को मारने के लिए। अच्छा भूत को मारने के लिए, हाँ वो देखो गिलहरी फिर आ गई, अब खाना वो रोटी लेके जा, नहीं चिराग 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 नहीं भाग, उसको भागना नहीं है उसको, रोटी खाना तो भूख लग रही है उसको, आओ अंदर आ जाओ। चल भाई रख दे, ट्यूशन जाना ना। क्या कराई थी, मम्मी। अच्छा मम्मी की हेल्प कराई आपने, शाबाश मेरा बेटा वेरी गुड। रख क्या हो गए, अभी धूप तो लगने दो, अभी अच्छी तरह धूप लगने दो ना, अभी नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं, क्यों कह रहा है कि मैं रख के आता हूँ। धूप
चलो धूप रखने दो, धूप रखने दो, धूप रखने दो। क्या आ धूप में तो बैठे हैं। देखो यहाँ देखो ये स्टूल रखा है ना, यहाँ आपकी मम्मी बैठी है और यहाँ बैठूंगा मैं। देखो ये स्टूल पे, ये बैठ गया भाई स्टूल पे, ठीक है। और मैं मार्बल खेल रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा आप कहाँ बैठोगे? नहीं मैं वहाँ बैठूंगा। बैठो बैठो, लेके जाओ फिर, लेके जाओ। कहाँ बैठोगे देखूँ मैं आप? अच्छा आप धूप में बैठोगे, बिल्कुल है बाहर है, हमारे तो घर में भी धूप आ रही है देखो, है ना, है ना, हम तो यहाँ बैठे हैं। अरे नहीं नहीं फिर बाहर नहीं, अरे नहीं नहीं यार ऐसा मत करो यार चिराग, यार खाने दो उसको चिराग। तो बार 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 खाने आ रही है ना वो, खाना खाने दो उसको यार। चिराग नहीं, चिराग नहीं भाई, देखो फिर गंदी बात होती है। भगवान फिर पाप देगा आपको, भगवान पाप देगा, है ना, कि भाई देखो चिराग इतने अच्छे काम करता है, रोटी डालता है, फिर गिलहरी आती खाने नहीं देता उसको, है ना, रहने दो। आ जाओ आप इधर आ जाओ, जल्दी आओ, छोड़ दो इसे। अच्छा अंडा रख के आओ, मेरे पास आओ इधर। चलो दूर से देखेंगे, खाते नहीं खाते। तो दोस्तों हो रही है शाम और हो रहा है चाय का टाइम, तो आज पियेंगे चाय। आज क्यों पियेंगे, हम तो पीते रहते हैं सुबह शाम, दो टाइम तो चाय बनती है, क्योंकि जो ठंड में दो टाइम बनती है और जो है गर्मी में हम एक टाइम ही पीते हैं सुबह के टाइम। तो दोस्तों चलते हैं किचन में, बन रही है चाय, चाय दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए दोस्तों, अरे चाय नहीं बनाई, कहाँ गई एकता जी? एकता जी देखो वो खड़ी, एकता जी असली है और मुझे बोला है कि मैंने चाय चढ़ा दी है, मुझे ये कहा गया है। ये देखो जी ये पार्क की जिद कर रहा है, पहले भाई चाय पीऊंगा मैं, हाँ ऊ के बाद चलेंगे, ठीक है। चिराग कह रहा है ऊ के बाद चलना, तो ऊ के बाद चलेंगे, ठीक है चिराग। तो चिराग खा रहा है, चिराग खा रहा है चिप्स। तो दोस्तों आगे हमारी चाय, ये देखिए, और चाय पी रहे दोस्तों, आप भी पी लीजिए चाय, कड़क चाय है जिसमें कि इलायची डाली हुई है और अदरक डाली हुई है, और क्या क्या डाला एक था, पर दो ही चीज़ है। तो अदरक है, इलायची है, बढ़िया कड़क चाय है, देखिए पत्ती तेज, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और वो और वहाँ बैठी है मम्मी, मम्मी चाय पी रही है। हाँ पार्क में चलेंगे, और भाई मम्मी उधर चाय पी रही है और देख रही है अपना सीरियल हमेशा की तरह। कौन सा सीरियल एकता, कौन सा? वाले का वधु, वो दोबारा आने लग गया ना, बहुत पहले का नाटक है, वही देख रही है मम्मी। और मम्मी जो है बहुत गौर से देखती है, बिल्कुल नाटक में घुस जाती है मम्मी, है ना। वो बैठ गई मम्मी, देखो मम्मी, मम्मी राम राम, राम राम बेटा, राम राम। मम्मी चाय तो पी ले, अच्छा नाटक में इतना खो गई मम्मी है। रखी है चाय, रखी है चाय मम्मी की। मम्मी इतनी गौर से नाटक देखती है सीरियल वाले का वधू, कि मम्मी की चाय हो या खाना हो ठंडा हो जाता है, बस घुस जाती है मम्मी जो है टीवी में। ये देखो मम्मी पूछ रही चाय, चाय पियो। तो मम्मी कह रही है आप भी चाय पी लीजिए। तो दोस्तों पीते हैं चाय, एकता तो नहीं पी रही चाय, ये रखी मेरी भी है, मम्मी मेरी वार रखी है गिलास में। अच्छा भाई ये रखी है एकता की, ठंडी होने के लिए। हाँ दोस्तों पीते हैं चाय।